हेलो दोस्तों, तो इस बार हम करने वाले हैं एग्जैक्टली अगर लेंस हो या मिरर हो, इसके हाफ पार्ट को, आधे पार्ट को अगर ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाए तो एग्जैक्टली इमेज फॉर्म होगा कि नहीं होगा, पूरा फॉर्म होगा कि आधा फॉर्म होगा, है ना, या एग्जैक्टली क्या होने वाला है, वो चीज़ को हमको समझना है। इसके ऊपर बेस्ड है ना, क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में भाई, अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करी जाती है, है ना। ये भाई दो चार क्वेश्चन करा दिए एक्सरसाइज के, इससे काम नहीं चलता। ओके, तो एग्जैक्टली देखते हैं भाई कि कैसे होगा। ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, क्या ये सच में खतरनाक है? नहीं, बिल्कुल खतरनाक नहीं है। देखते हैं क्यों इतना खतरनाक बना हुआ फिर ये। ओ यार, ये तो बड़ी गंदगी हुई। कोई बात नहीं जी, सही कर देते हैं इसको। ओके, तो यहां पर हमने ले लिया एक मिरर ले लेते हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, मिरर ले लेते हैं और इसके सामने है एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ये हुआ ऑब्जेक्ट, यहां से रेज गया, इधर से फोकस से पास हुआ और एक फोकस से पास हुआ और एक प्यार लाल गया, है जी। और जहां पर मिला है दो रिफ्रैक्टेड रेस, वहां पर एग्जैक्टली इमेज फॉर्म होगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो अगर हम इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दें तो क्या होगा? ये वाला रे नहीं आएगा, इमेज नहीं फॉर्म होगा। क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो इमेज फॉर्म होता है ना, सिर्फ इन दो रेस से नहीं फॉर्म होता। अगर हम लेंस भी ले रहे हैं, समझो यहाँ पर मैंने एक लेंस का भी डायग्राम बना दिया, तो बोलोगे सर मिरर का ही बनाया, लेंस का नहीं बनाया, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब ले लिया तो ले लिया भाई, और यहाँ से ये पैरेलल गया और किधर से पास हुआ? फोकस से पास हुआ। ले भाई फोकस से पास कर दिया। और दूसरा वाला है ना, वो सीधा यहाँ से ऐसे, कैसा सीधा, कौन करता है ऐसे, ऐसे सीधा, हाँ यस, ऑप्टिकल सेंटर से। और जहाँ पे ये दोनों रिफ्रैक्ट होके जो मिल रहे हैं ना, इनके मिलन से एक चीज़ बनती है। क्या बनती है? इमेज बनता है। और क्या बनेगा भाई, इधर क्या बन सकता है? फैमिली चैनल है भाई, बच्चों का चैनल है, ऐसे कैसे होगा? यस, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्ट इमेज है ना, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज अगर हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, हाफ पोर्शन या 90% पोर्शन, कोई भी पोर्शन फर्क नहीं पड़ता यार। देखो अब कि एग्जैक्टली क्या होगा, ये जो इमेज बनता है ना, ऑब्जेक्ट का इमेज जो फॉर्म हो रहा है, ये दो रेस से नहीं फॉर्म होता कि हाँ ये एक रिफ्रैक्टेड है, ये एक रिफ्रैक्टेड है, जहां मिला वहां पर इमेज फॉर्म हुआ, ऐसा बिल्कुल ना है। यहां से ही अगर हम, वैसे बहुत सारे पॉइंट्स है, हर पॉइंट का ये होगा, मैं इस ए वाले पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए वाली पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहां से बस यही दो रे नहीं निकले हैं, बहुत सारे रेज आए हैं। यहां पर एक रे है, ये रे, वो रे, क्या रे, तू रे, चुप रे, जा रे, ये जितना सारा रेज है ना, ये सब रेज ऐसा 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 और वैसा, इतना सारा रेज, ये सब इंसिडेंट रे भैया, और ये सब रिफ्लेक्ट होके इधड़ 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 इधड़, देखो अयो क्या बात है, देखो सही में ऐसा वैसा जैसा तैसा, जैसे को तैसा। तो यहां पर देखो कि सब जो रेज है वो रिफ्रैक्ट हो, सॉरी रिफ्रैक्ट बोल रहा हूं बार बार, रिफ्लेक्ट होके और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके और यहां पर एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यानी एक जब इमेज फॉर्म होता है ना, तो वो इसे दो रे से नहीं फॉर्म होता कि हाँ भाई टीचर ने बना दिया ये दो रे, तो यही दो रे होंगे, ऐसा बिल्कुल ना है। बहुत सारे रेज, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज जो ए से निकले और ये इधर ए डैश उसका रेप्लिका बनाया। ऐसे ही मान लो यहाँ पर कितने सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है इस ऑब्जेक्ट में, तो इसके नीचे वाला पॉइंट को अगर मैं बी लेता हूँ ना, तो बी का बी डैश इसके जस्ट ऊपर, तो उसे बहुत सारे रेज मतलब आ रहे हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज से इमेज फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं इसको आधे पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर भी देता हूँ, हाँ जी मान लो इसको हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया ब्लैक, तो इससे क्या होगा ना, इससे सिर्फ ये होगा कि यहां वाले जो रेज जा रहे थे इधर रिफ्लेक्ट होके, वो जाना बंद कर देंगे, मतलब रेज तो जा रहे हैं पर रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहे, है ना। तो ये रेज ब्लैक पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा, तो भाई अब्जॉर्ब कर ले तो क्या क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब करके
ऑब्जॉर्ब कर लो, रिफ्लेक्ट हो ही नहीं आएंगे। पर क्या यहाँ पर इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है? इमेज तो बिल्कुल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये बाकी जो हाफ पोर्शन है यहाँ से तो रेज जा रहा है, इमेज तो फॉर्म होगा, पूरा फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है आधे साइज का, पूरा फॉर्म हो रहा है। सिर्फ क्या घट जाएगा अगर आपने यहाँ पर स्क्रीन रखा ना, तो यू विल फाइंड कि जो ब्राइटनेस पहले मिल रही थी वो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज या फिर कह लो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस्ड, है ना, बाय 50%। पहले जो इंटेंसिटी थी यहां पर, अब आधा पोर्शन कवर करने से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी भैया। ऐसे ही लेंस में भी है कि नहीं, जब इमेज फॉर्म हो रहा है तो यानी कि सिर्फ दो रेस से नहीं फॉर्म हो रहा है ना, बहुत सारे रेस से फॉर्म हो रहा है, बहुत मतलब बहुत बहुत बहुत। तो ये जो है इतने सारे रेज है जो यहां से जा रहे हैं और इधर से रिफ्रैक्ट होके वापस उसी पॉइंट पे जा रहे हैं जिस पॉइंट पे वो दो रेज गए थे, उसी पॉइंट पे सब जा रहे भाई ऐसा। सो देयर आर एन नंबर ऑफ रेज, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज जो यहां पर रिफ्रैक्ट होके और जा रहे हैं और उसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ए का एक रेप्लिका इधर भी बना ए डैश। तो अगर यहां भी तुम अगर हाफ पोर्शन को या 90% को या 99% को अगर ब्लैक पेपर से कवर कर दो, तो ऐसा नहीं कि इमेज फॉर्म होना बंद हो जाएगा, इमेज फॉर्म होगा और पूरी साइज का फॉर्म होगा, सिर्फ क्या कम हो जाएगा, इफ आई एम कवरिंग इट बाय 90%, 90% को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो 10% खुला है, तो जितना परसेंट खुला है उसकी ब्राइटनेस जो है उतनी परसेंट हो जाएगी। यानी पहले जो इंटेंसिटी थी वो अगर आई थी या ब्राइटनेस आई थी तो अब 90% कवर कर दिया तो यानी इंटेंसिटी 90% कम हो गई, यानी अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 10% ऑफ आई, समझे? तो यानी कि इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन होगा। ऐसे क्वेश्चन में तो आपको जनरली सर यही बताना होता है कि इमेज पूरा फॉर्म होगा नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं वो आप कर सकते हो, पर ऐसे इमेज फॉर्म होता है ये चीज को ध्यान रखना, हाउ एग्जैक्टली इज इमेज फॉर्म्ड, ये चीज भी आपकी यहां पर क्लियर हो गई। हो गई कि नहीं हो गई जल्द जरूर बताना भाई कमेंट सेक्शन में, फोकट का कमेंट कर सकते हो आप, जल्दी कर दो, ठीक है। उसके बाद जो भी डाउट है, जो भी और कोई क्वेश्चन करवाना है तो करवा लो भाई, फ्री बैठा हूं मैं, कोई काम वाम तो है नहीं मेरे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।